नगर का रेलवे स्टेशन देख सकते हैं। ये रहा परमेश्वर सिनेमा थिएटर। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू वीडियो। सो फ्रेंड इधर देखो लवली, आज भी वही काम कर रहा है। मुंह में अंगूठा को देखो घुसा दिया है, देखो उसका वो रोज काम है, जब भी देखो वो ऐसा ही करता है। तो फ्रेंड बहुत दिन एक मेरा एक सब्सक्राइबर बहुत दिन का आगे मेरे को बोले थे कि कुना भाई ये सात नगर के बारे में एक वीडियो बना, जो कि सात नगर का पूरा फुल। तो फ्रेंड मैं आज कोशिश किया हूँ इस वीडियो में सात नगर का पूरा कवर करने के लिए। तो फ्रेंड वीडियो में बने रहना, मिलते हैं सात नगर टाउन पर। सही का आश्चर्य मंदिर है ना। तो फ्रेंड सातनगर को एंट्री करने का पहले ही ये मंदिर पहले तुमको ये रोड में देखने के लिए मिलेगा। ये जो रोड है ये हैदराबाद से बालनगर तक गया है ये रोड। तो फ्रेंड ये जो मंदिर है ये तो फ्रेंड ये है श्री वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर है। ये है स्वामी गरुड़ देव। तो फ्रेंड इस मंदिर का थोड़ा ही आगे तुमको सातनगर का गवर्नमेंट हॉस्पिटल को देखने के लिए मिलेगा। हॉस्पिटल के बाद पूरा मार्केट शुरू हो जाता है। इधर से सातनगर का मेन मार्केट को जाने के लिए 1 किलोमीटर लगता है। तो फ्रेंड सातनगर का एंट्री करने से पहले तुमको देखने के लिए मिलेगा सातनगर का गवर्नमेंट कोर्ट। तो फ्रेंड ये जो लेफ्ट साइड में अभी रोड है, जो रोड गया है वो उसका नाम है परगी रोड। तो फ्रेंड ये रोड में तुम लोग को देखने के लिए मिलेगा फास्ट एक अच्छा सा सिनेमा हॉल जिसका नाम है परमेश्वर सिनेमा थिएटर। फ्रेंड देख सकते हैं ये रहा परमेश्वर सिनेमा थिएटर। तो फ्रेंड बिल्कुल परमेश्वर सिनेमा हॉल का थोड़ा दूरी में ये एक सिनेमा हॉल है, इसका नाम है साईं बाबा सिनेमा हॉल। वो थोड़ा उससे थोड़ा और बड़ा है। उसके बाद तुमको ये रामाकृष्ण थिएटर भी देखने के लिए मिलेगा सातनगर पर। तो फ्रेंड ये जो रोड आया है ये आया है हैदराबाद से, चौरास्ता यही है सातनगर का मेन पॉइंट। जैसे तुम लोग इधर का पास में ही तुमको मिलेगा देखने के लिए बस स्टैंड साइड में है, और ये साइड में गया है रेलवे स्टेशन, और जो ये साइड में गया है फ्रेंड ये है सातनगर का बस स्टैंड। मैं अभी आ गया हूँ सातनगर का बस स्टैंड की तरफ, देख सकते हैं पीछे में बस स्टैंड है। तो फ्रेंड मैं अभी जा रहा हूँ थोड़ा शॉपिंग करने के लिए, एक सुपरमार्केट को मैं अभी जा रहा हूँ।
तो उसको जाने के बाद आप लोग को मैं दिखाऊंगा वो मार्केट में क्या क्या मिलता है। पहले से ही उस मार्केट के अंदर में एक वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ, तो वो वीडियो को जो आप लोग नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लेना, मेरा वीडियो का एंड स्क्रीन में और मैं वो वीडियो को डाल दूँगा। तो ये रहा हाइपर मार्केट, उसके अंदर में अभी जा रहा हूँ। तो फ्रेंड देख सकते हैं मैं अभी वो मार्केट के अंदर आ चुका हूँ। ये मार्केट में कभी भी आप लोग आए तो पूरा सामान तुमको ये मार्केट में मिलेगा। तो अभी मेरा मार्केटिंग उधर का हो चुका है, मैं अभी जा रहा हूँ जगन्नाथ टेम्पल। तो फ्रेंड बाहर राज्यों में जब हमारा ओडिशा का जगन्नाथ टेम्पल देखने के लिए मिलता है तो मेरे को तो बहुत खुशी होता है। तो आप लोग भी जो मेरा वीडियो ओडिशा से कोई भी देख रहा हो तो इस वीडियो में आप लोग भी देख सकते हैं, जो कि तेलंगाना का सातनगर में जगन्नाथ टेम्पल में आप लोग को दिखाऊंगा। तो वो उधर रही मंदिर जगन्नाथ का, देखते हैं पेड़ पेरा सामने में जो मंदिर है वही है जगन्नाथ टेम्पल। तो फ्रेंड ये जो जगन्नाथ टेम्पल है ये पूरा सातनगर का बस स्टैंड का पूरा करीब है। तो फ्रेंड मंदिर तो बंद है, उसके लिए मैं जगन्नाथ जी को आप लोग को नहीं दिखा सकता हूँ। तो फ्रेंड अभी चलते हैं गणेश टेम्पल की तरफ, जो कि सातनगर मार्केट का पूरा बीचों बीच है। तो फ्रेंड ये है गणेश टेम्पल, ये सातनगर मार्केट का पूरा अंदर ही है। तो फ्रेंड मैं अभी जा रहा हूँ सातनगर का रेलवे स्टेशन तरफ, तो उधर जाके मिलते हैं आप लोग के साथ। ये भी एक माता जी का मंदिर है, बिल्कुल रेलवे स्टेशन के पास में ही है। तो फ्रेंड ये है सातनगर का रेलवे स्टेशन, जो कि सातनगर मार्केट से 2 किलोमीटर दूरी में ये आता है। स्टेशन का बाहरी इलाका आप लोग देख सकते हैं, पूरा गार्डन बना के रखा है। तो फ्रेंड रेलवे स्टेशन जाने का रोड में ही तुमको मिल जाएगा पुलिस स्टेशन सातनगर का। तो फ्रेंड पूरा मेरा अभी मार्केटिंग हो चुका है, मैं अभी जा रहा हूँ रूम। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके फ्रेंड, बाय बाय।